संधि का लास्ट पार्ट विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। विसर्ग जैसा कि नाम से ही मालूम होता है, ये दो बिंदु विसर्ग कहलाते हैं। जिसके पहले पद में विसर्ग हो वो विसर्ग संधि है, यही इसकी पहचान है। विसर्ग संधि का विच्छेद करते समय आधा स, षषजम का, षटकोण का, सरोते का, ये जहां पर भी हो तो ये हट जाता है और इनकी जगह पर आ जाता है विसर्ग। जैसे नमस्ते, नमः प्लस ते, आधा सा हट गया, नमस्ते। नमः प्लस कारा, आधा सा हट गया, उसकी जगह विसर्ग आ गया। नमस्कार, दुस्थला, दुह प्लस थला, निस्तारा, नि प्लस तारा, निस्तारा। दुष्कपटा, दुह प्लस कपटा। कश्चित, कह प्लस चित, कश्चित। इसी तरह से नराश चलती, नरा प्लस चलती बराबर नरश चलती, नरस तरती, नर प्लस तरती, नरस तरती। अब इसमें एक और बात की, आधा शब्द जब षटकोण सरोते का, आधा शब्द तो हटेगा ही, इसके हिसाब से विसर्ग आएगा। इसके अलावा मात्रा, यदि पहले पद में मात्रा है तो हट जाएगी, उसकी जगह विसर्ग आ जाएगा। जैसे मनोहरा, मना प्लस हरा, हो की मात्रा हट गई। मनोरमा, मना प्लस रमा, हो की मात्रा हट गई। मनोरथा, मना प्लस रथा, मनोरथा। आदर्श, धनुष टंकारा, आदर्श हट गया, धनु प्लस टंकारा बराबर धनुष टंकारा। ये विसर्ग संधि थी बेटा, आप एक बार बोर्ड पर ध्यान से देखिए। सबसे सिंपल है, पहले पद में विसर्ग है, ये इसकी पहचान है। जिस तरह व्यंजन संधि में पहले पद में हलंत है, व्यंजन संधि की पहचान है। विसर्ग संधि में आदर्श